तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वाई टी चैनल हेयर। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात पता है कि अब यहाँ पे MIUI जो है वो यहाँ पे MIUI डायलर को रिमूव करती जा रही है। वो अब यहाँ पे इंडिया रीजन के लिए भी गूगल डायलर हमें MIUI के फ़ोन्स में देखने के लिए मिल रही है, चाहे वो इंडिया रोम हो, चाहे वो ग्लोबल रोम हो, या चाहे वो कोई सी भी रोम हो। मगर यहाँ पर अभी भी कुछ रोम्स में हमें MIUI डायलर देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि इंडोनेशिया रोम, यहाँ पे तेवान रोम, यहाँ पे टर्की रोम, और भी कुछ रोम्स में हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पे इंडिया, ग्लोबल, यूरोप रोम्स में हमें ऑफिशियली गूगल डायलर देखने के लिए मिल जाता है। तो फिर जो लोग अपनी रोम्स को चेंज कर सकते हैं वो MIUI डायलर को यहाँ पे ईजीली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे पास MIUI डायलर से भी रिलेटेड एक न्यूज़ है, यानी कि यहाँ पे MIUI डायलर से भी एक मुझे बढ़िया डायलर देखने के लिए मिला है। तो मैं आपको इसका फुल रिव्यू यहाँ पे देने वाला हूँ कि यहाँ पे गूगल डायलर को, यानी कि MIUI डायलर से जो बेटर डायलर मुझे मिला है, आप उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी Xiaomi के डिवाइस में। आपको किसी भी रूट, कोई भी बूट फोल्डर अनलॉक, कोई भी कस्टम रिकवरी, किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑफिशियली डायरेक्ट उसको इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आप यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वाईटी चैनल हेयर। तो फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में मैं आपको MIUI डायलर से भी बेटर डायलर बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको फुल रिव्यू उस डायलर का एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो उस डायलर को डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली उसको ओपन करना है। उसको ओपन करने के बाद आपके यहाँ पे स्टार कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे। स्टार कॉन्टैक्ट्स के साइड में आपको ये क्लॉक सी दिखेगी, इसका मतलब कि आपको इसके साइड में रीसेंट दिखेंगे, आपने जिसको भी कॉल किया है वगैरह वगैरह, वो सब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके साइड में आपको सारे कॉन्टैक्ट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये तो हो गया कि आपको यहाँ पे इसका लेआउट, इसका UI आपको इसको इस तरीके से यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करते हैं कि इसके आखिर शॉर्टकट्स कहाँ पे हैं। तो आपको सिंपली ड्रूप डायलर को ओपन करना है, और जब आप ड्रूप डायलर को ओपन करेंगे तो ये वाला डायलर आपका रीसेंट में कभी भी आपका शो नहीं होगा। तो आपको रीसेंट कभी भी क्लियर नहीं करने हैं। कोई भी ऐप्स ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे क्रॉस मिलेगा, तो आपको उस वाले बटन को, यानी कि रीसेंट कभी भी क्लियर नहीं करने। रीसेंट क्लियर करने से आपका जो यहाँ पे ये जो ड्रूप डायलर का जो शॉर्टकट है वो यहाँ से आपका ये रिमूव हो जाएगा। अभी शॉर्टकट को अनेबल करने के लिए आपको कोई भी सेटिंग अनेबल नहीं करनी है। आपको सिंपली ड्रूप डायलर ओपन करने के बाद आपसे जो भी परमिशन मांगेगा सिंपली सभी परमिशन को दे दिया जाना है, और सभी परमिशन को अनेबल करने के बाद ये आपका ऑटोमेटिकली आपकी होम स्क्रीन में आ जाएगा। और जब आप इस पर स्क्रॉल राइट करेंगे तो आपका इस तरीके से ड्रूप डायलर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो इतना सब करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको यहाँ से फ़ोन कॉल सिम 1 से करनी है, सिम 2 से करनी है, और इसके साइड में आपको SMS मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपका गूगल मैसेजिंग ऐप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। और इसी के साथ आपको इसके नीचे एक और ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ से गेट ऐप्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। जो भी आपका सिस्टम ऐप है, जैसे कि यहाँ पे Xiaomi के मोबाइल में यहाँ पे ये गेट ऐप शो हो रहा है। अगर आप किसी और डिवाइस के यूज़र हैं तो आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं, उसमें भी शायद आपका ही कोई भी एक सिस्टम एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। और इसके नीचे आपको WhatsApp का आइकन, तो इस पर क्लिक करने के बाद आपका ऑटोमेटिकली WhatsApp एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। और इसके साइड में आपको WhatsApp वॉइस कॉल, तो आपकी WhatsApp वॉइस कॉल, WhatsApp मैसेंजर कॉल, इसके नीचे आपको वो भी देखने के लिए मिल जाता है। और इसके नीचे आपको आपने जो भी इसमें रिमाइंडर सेट कर रखे हैं आपके, वो भी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे। और इसके नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे जीमेल एप्लीकेशन भी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, जो कि एक बिल्कुल ठीक ठाक सी बात है। और इसके सबसे लास्ट में आपको एक प्रो मोड दिया गया है। प्रो मोड में आपको रेस्टोरेंट, कैफ़े, बार, बेकरी, बैंक, एटीएम, शॉपिंग, पार्किंग, फार्मेसी, जिम, गैस स्टेशन, आपको ये सब दिए गए हैं। सब पे क्लिक करने पे आपको यहाँ से इसका प्रो वर्ज़न बाय करना पड़ेगा। आपको इसमें
मंथली का 270, 6 महीने का 620 और ईयरली का 890, ये सब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो इसका प्रो वर्जन आप बिल्कुल भी बाय मत करना, ये यहाँ पे बिल्कुल टोटली यूजलेस है। बस मैंने आपको इस वीडियो में ये बताया है कि यहाँ पे MI डायलर से भी बेटर डायलर यहाँ पे अवेलेबल है। बस इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि आप जब यहाँ से किसी को भी कॉल करेंगे तो कॉल करने पे आपको गूगल डायलर से ही कॉल होगा, इसमें आपको ड्रूप डायलर जैसा कॉल देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ड्रूप डायलर जैसा UI यहाँ पे असल में है ही नहीं। और जब ये फ्यूचर में आएगा तो इसके रिगार्डिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बात करते हैं आप इसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। सिंपली प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में आपको सिंपली यहाँ से ड्रूप सर्च करना है। ड्रूप सर्च करने पे आपको यहाँ पे ड्रूप डायलर एंड कॉन्टैक्ट ड्रूप ये देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपली इसको डाउनलोड कर लीजिए, ओपन करने के बाद इसको इजीली यहाँ से यूज़ कर लीजिए। आपको और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये वाला डायलर कैसा लगा। MI डायलर से बेटर डायलर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये गूगल डायलर से तो हमें बेटर UI हमें देखने के लिए मिल जाता है। कमेंट में आप मुझे अपने सजेशंस दे सकते हैं कि आपको ये डायलर कैसा लगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहले बार तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी ज़रूर कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।